तो जी हाँ, आज आप भी कहेंगे कि मैं चश्मा क्यों लगा लिया और चश्मा लगाने का क्या वजह है। तो जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि यार बहुत सारे एपिसोड में बनाते रहता हूँ तो वहाँ पे कुछ नया लुक मेरा निकल के नहीं आता, ना कॉस्ट्यूम से, ना मेरे स्टाइल से, ना मेरे हेयर से। तो सोच रहा हूँ इसको थोड़ा धीरे धीरे चेंज करते जाऊँ और थोड़ी सी आज के जनरेशन में दिखाई दूँ भाई। तो स्टार्टिंग किया ये छोटे मोटे चश्मे से और आप देखते रहेंगे कि आगे आगे मैं क्या चेंज करता हूँ, यानी कि नेकलेस, ये ब्रेसलेट वगैरह बहुत सारी चीज़ें आएंगी। फिलहाल हम बात करेंगे खेसारी लाल यादव को लेकर। जब खेसारी लाल यादव की बात करें तो यार क्या हम भी सोच रहे थे खेसारी लाल यादव जी इतने सुस्त निकलेंगे, इतने शांतिपूर्वक वो दिखाई देंगे? हमें तो कभी दिखाई नहीं दिया उन्होंने। हाँ, फिल्मों में जो इस तरीके का सिचुएशन होता था, स्क्रिप्ट होते थे, उसमें दिखाई देते थे। हालांकि हमको जब भी देखें आज चहलकदमी करते हुए देखें, हालांकि मैं दूसरे जिससे पहले जो एपिसोड बनाया था उसमें भी कहा हूँ कि गुस्से में तो मैंने नहीं, सॉरी गुस्से की बात नहीं करेंगे, वो गुस्सा में तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं। सिद्धार्थ को जो भी बोले थे, एक समझाने वाले नेचर से बोले थे, उनकी हमें फुटेज कम मिल रही है। मैं पीछे के एपिसोड में भी बताया हूँ, वहाँ पे उनकी जो वैल्यू है, वैल्यू की महानता दिखाई दे रही है वहाँ पे कि वो क्या कर रहे हैं, जो उनका करेक्टर है वो निकल के आ रहा है, जो रियल करेक्टर है। मगर ऐसा नहीं यार, हम ये भी तो नहीं चाहते हैं क्योंकि हम तो उनके फैंस हैं ना, हमें ये क्या सुनने को मिला। जैसा मैंने गेसिंग किया था, ये फर्स्ट ऐसा रिव्यू होगा जहाँ पे आप लोगों को खेसारी लाल यादव के लिए बोलते हुए देखे गए होंगे कि खेसारी लाल यादव को मैं बोल रहा हूँ कि यार क्यों चुप हो, क्यों ऐसे शांत हो, क्यों नहीं दिखाई दे रहे हो। और वही चीज़ वीकेंड का वार में सलमान खान जब एक कॉलिंग के माध्यम से किसी पर्सन से बात करवाए, वो भी स्पष्ट कर दिए कि यार खेसारी लाल यादव आप इतनी गुमसुम क्यों हो और आप दिखाई नहीं दे रहे हो। यार ये बिग बॉस का होम है, घर है, जहाँ हमें दिखना है, वहाँ से देखते हुए हम इंटरनेशनल और नेशनल टीवी पे लोग देखते हैं तो वहाँ से पता चलता है, वहाँ आप दिखाई नहीं, वहाँ साबित हो गया जो मैंने रिव्यू दिया था। देन उसके बाद यहाँ पे मैं वीकेंड का वार में सलमान खान भी ये बोल दिए, ठीक है, और उनका जो कॉलिंग आया था वो भी बोल दिया। देन उसके बाद विशाल सिंह भी बोले। विशाल सिंह की बात करेंगे तो विशाल सिंह कौन है? विशाल सिंह भाई वैलिड कार्ड में यानी कि नए मेंबर के रूप में फिर से आए हैं, वो भी बिहार सेमरी के रहने वाले हैं, तो वो भी आए हैं। तो वो भी कह दिए, जैसे उनकी एंट्री हुई वीकेंड का वार यानी संडे के दिन, वो भी स्पष्ट कर दिए क्या खेसारी जी आप तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हो। तो यार ये चीज़ खटक रही है हम फैंस को। बेशक हम लोग रिव्यू करते हैं तो बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, यार ये मुझे अच्छा नहीं लगता, ये आपके और हमारी मजबूरी है, और इस मजबूरी में इतना ना ढल जाए कि किसी को बोल ही नहीं पाए कि यार आप अच्छा नहीं कर रहे हो। हम अपने लोग को बोलेंगे तब ना आगे वाला सोचेगा कि हमारे अंदर कमी क्या है, मैं इसको और बढ़ाऊँ। जैसे कि वहाँ विशाल सिंह आए जो बिहार के रहने वाले हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया तो अच्छा लगता है। तो वहाँ पे खेसारी लाल यादव संडे को बिग बॉस में ये बोले भी कि यार अब कुछ मुझे अच्छा करना पड़ेगा, तो हमें बोलना चाहिए ना, अब यार कुछ नहीं कर रहे हैं और हम यहाँ पे रिव्यू बना रहे हैं, उनकी न्यूज़ें बनवा रहे हैं कि खेसारी लाल यादव शहनाज के पत्नी बना लिए, खेसारी लाल यादव शहनाज से शादी करेंगे। अच्छा लगता है क्या यार, ये अच्छा लगता है क्या, शादी करेंगे पत्नी बनाएंगे, कितना व्यूअर्स मिलेगा? तो ये चैनल आपको रिव्यू परफेक्ट देता है क्योंकि मैं रिव्यू एक्सपर्ट हूँ और मैंने बचपन की जो पढ़ाव है उसको लेकर अभी तक फिल्में ही देखते आ रहा हूँ और वही चीज़ आर्टिकल्स में लगा रहा हूँ कि आखिर सच्चाई क्या है। तो वो सारी चीज़ें एक्सपर्ट के माध्यम से देता हूँ, मगर आप लोगों को देखते हैं कि फैंस आप उतने ही चाहते हैं, उनको उतने बड़े फैन हैं जितना बड़ा मैं हूँ खेसारी लाल यादव जी का, पवन सिंह जी का, निरहुआ जी का। देन आप लोग उनकी बुराइयाँ नहीं बताते हो, उनकी बुराइयों को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके बताओ ताकि वो और अपने अंदर निखार लाए। कोई भी आ रहा है तो जीत के जाएंगे, कोई भी कैसे जीत जाएंगे यार, यार आप कैसे जीत जाएंगे? वो इस तरीके से रहेंगे तो क्या जीतेंगे क्या? मुँह दिखाई वाली बात मत करो यार, आप उनको कमज़ोर कर रहे हो ना, खेसारी लाल यादव को कमज़ोर कर रहे हो, उनको कमज़ोर मत करो, उनकी जो कमियाँ हैं वो बताओ। सो यही एक ऑफ मोंटी से मैं बताता हूँ, और मैंने जो वो रिव्यू दिया था वो रिव्यू सही साबित हुआ। उसको संडे के दिन सलमान खान भी खुद इसी बात को बोले, देन उसके बाद जो कॉल आया था सलमान खान जी के पास जो फैंस से बात करते वो भी बोले, विशाल सिंह जो बिहार के हैं जो वाइल्ड कार्ड में गए हैं वो भी बोले, और मैं भी बोल रहा हूँ, आप लोग भी बोल रहे हो, आप लोग दिल में ही बोल रहे हो। स्पष्ट करके कमेंट सेक्शन में लिखिए कि क्या खेसारी लाल यादव बिग बॉस 13 में दिखाई दे रहे हैं, वो उनकी उनको लगता है कि वो विनर बन पाएंगे, इतने बड़े कंटेस्टेंट वहाँ पे मौजूद हैं, उनके सामने टिक पाएंगे? तहसीन तो आए थे चले गए, तहसीन तो इनसे अच्छा फुटेज मिला इतने दिनों में, ज़्यादा फुटेज मिला, ज़्यादा कुछ मिला,
बट यार यहाँ पे फुटेज की बात नहीं है, यहाँ पे खेलने की बात है। और आप समझने में वो टाइम लगा दे रहे हो, तो आपको फिर समझने समझने में ही कहीं ऐसा ना हो कि आपको घर से बेघर कर देना पड़ जाए, है ना। जैसे कि तहसीन को वो समझा ही नहीं, और जब समझे थोड़ा सा समझने की कोशिश किए तो बंदरों वाली हाल करने लगे, तो उनको निकाल दिया गया। तो उम्मीद करूँगा कि आप लोग उनको सुझाव देंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और बने रहिए टिक 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 मेरे साथ। मैं आपका मोंटी, बाय।